सावन के महीने में जहां एक ओर मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है, वहीं दूसरी ओर सुहागने हरे रंग की चूड़ियां और हरे रंग के वस्त्रों में नजर आती हैं। ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। सावन के माह में खूब बारिश होती है। बारिश के कारण पेड़ पौधे भी हरे भरे हो जाते हैं। प्रकृति के इस बदलते रंग के साथ साथ महिलाओं का श्रृंगार भी बदल जाता है। इस महीने में महिलाएं हरे रंग के वस्त्र, हरे रंग की चूड़ियां पहनती हैं। इसके विषय में ज्योतिषियों का कहना है कि इस महीने में हरे रंग के कपड़े पहनने से भाग्य परिवर्तित होता है। सावन के महीने में हरे रंग के वस्त्र और हरे रंग की चूड़ियों को पहनने का नियम प्राचीन काल से चला आ रहा है। माना जाता है कि ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। माना जाता है कि जो लोग सावन के महीने में हरे रंग के कपड़े पहनते हैं, उनसे भोले बाबा खुश हो जाते हैं। वहीं सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ियां पहनने वाली महिलाओं पर भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। कुछ ज्योतिषचार्यों का मानना है कि हरा रंग प्रकृति से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण इसका सीधा असर आपके भाग्य पर पड़ता है। सावन के महीने में महिलाओं का हरा रंग धारण करने से उनके सुहाग की सलामती और लंबी उम्र का आशीर्वाद भी मिलता है। इतना ही नहीं, हरे रंग का संबंध बुध ग्रह से भी होता है। ज्योतिषियों के मुताबिक जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होता है, उन लोगों को हरे रंग के कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। बुध का संबंध करियर और व्यापार से जुड़ा होता है। जब भी कोई हरा रंग धारण करता है तो बुध का प्रभाव कम होने लगता है और घर में संपन्नता आती है। सावन के माह में आप भी अपने सोए भाग को जगाने और अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए हरे रंग की चूड़ियां और हरे रंग के वस्त्र जरूर धारण करें। ओम नमः शिवाय। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।